इस वीडियो में आप आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन की ट्रेनों को देखेंगे, साथ ही स्टेशन से जुड़ी चीजों को जानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पसंद करेंगे। स्वागत है आपका बचपन से ट्रेवल में। सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। आज पूरा दिन यहां बिताने वाले हैं। इस बीच यहां से कौन सी ट्रेन ऑपरेट करती है, कौन सी ट्रेन आती है, कौन सी ट्रेन जाती है, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। कोशिश ये रहेगी कि जिसकी डिमांड ज्यादा ना जिन ट्रेनों की उसको पहले एक्सप्लोर करें। ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। टिकट काउंटर तो पूरा खाली है, पहले चल के प्लेटफॉर्म टिकट लेते फिर आगे बढ़ते। प्लेटफॉर्म टिकट तो ले लिया, बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। कुछ ऐसा रास्ता है प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, मतलब अंडरग्राउंड। आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, बट यहाँ पे भी कोई ट्रेन ही नहीं लगी हुई है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म 2 और 3 की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 देखो, मतलब पूरा एकदम चमक रहा है। अभी अभी जस्ट पोछा लगाया जा रहा है, सामने आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के। ऐसे ही स्टेशन को साफ रखने में स्टेशन परिसर का सहयोग दे दोस्तों। आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 और ये है 2, और अभी भी देख लो यहाँ पे साफ सफाई लगातार जा रही है। ये जो पीछे ट्रेन लगी हुई है दोस्तों, ये है विक्रमशिला एक्सप्रेस। काफी बढ़िया, काफी सुपर फास्ट ट्रेन है जो आनंद विहार टर्मिनल से जाती है भागलपुर बिहार के, और ये डेली रन करती है, मतलब आनंद विहार से 1 बजे भागलपुर जाती है और भागलपुर से डेली रन करती है। मैं थोड़ा सा ना दोस्तों लेट हो गया, वरना मैं आपको इसकी भीड़ दिखाता, लेकिन कोई नहीं, ये भागलपुर से आई यहाँ तक। अब जब ये दोपहर में यहाँ से जाएगी ना, तब मैं आपको इस ट्रेन का कंडीशन दिखाऊंगा, खासकर जनरल कोच का, कि कितनी ज्यादा भीड़ होती है भागलपुर जाने। फिलहाल चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की ओर। तो उस ओर से कोई ट्रेन स्किप कर रही है। आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे। 4 पे तो कोई ट्रेन नहीं, 5 पे ट्रेन है, तो चल के अब देखते कौन सी ट्रेन आई। ये जो पीछे ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, ये हम सफर सुपर फास्ट एक्सप्रेस लगी जो गोरखपुर से आई है। वैसे इस ट्रेन के रनिंग की बात करूँ दोस्तों, तो ये वीक में 3 दिन रन करती है गोरखपुर से, रात को 8 बजे और सुबह 8:30 बजे आपको यहाँ पहुंचा देगी, मंडे ट्यूजडे और थर्सडे। तो चलते हैं फिर 6 और 7 की ओर, देखते हैं उस ओर कोई ट्रेन आई है। आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म 6 और 7 पे। अभी तो कोई ट्रेन नहीं आई है, लेकिन अनाउंसमेंट हो रहा है जस्ट ही ट्रेन आने वाली प्लेटफॉर्म 6 पे। फिर आपको दिखाते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ट्रेन आई है वो है गरीब रथ, जो कि बनारस से चलकर आ रही है। वीक में 2 ही दिन रन करती है, संडे और थर्सडे। उस ओर से तेजस राजधानी स्किप कर रही है आनंद विहार टर्मिनल को। ये हो गया प्लेटफॉर्म 6 और उस ओर प्लेटफॉर्म 5, और जो बीच में ट्रेन खड़ी है ये ट्रेन है अरुणाचल एसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार टर्मिनल से वीक में केवल 2 दिन रन करती, पहले संडे और दूसरा थर्सडे को, और आपको 3रे दिन अरुणाचल प्रदेश नाहरलगुन तक पहुंचाएगी। ये टोटल 2124 किलोमीटर का सफर तय करती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से ही जुड़ा है, बट ये एक अलग रेलवे स्टेशन है। इसका नाम आनंद विहार है, जहां से ट्रेन स्किप करती है और केवल गिनती की गिनी चुनी ट्रेनें यहां पे रुकती है, बट ये इसी का पार्ट है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे एक लोकल पैसेंजर ट्रेन आई है, जो कि दोस्तों गाजियाबाद से सकूर बस्ती जाएगी वाया नई दिल्ली। और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जो ट्रेन आई थी, अब चल दिए मात्र 1 मिनट रुकने के बाद, ये बरेली नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो कि जाएगी नई दिल्ली और आ रही है बरेली से। और इस ट्रेन से देखो दोस्तों सामने कितने ज्यादा पैसेंजर अपनी यात्रा को समाप्त किए। और ये जो 9 और 10 प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ट्रेनें जो है स्किप करती, जैसे कुछ ट्रेनों का यहाँ पे स्टॉपेज होता है तो वो रुक जाती, और जिन ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होता वो यहाँ से स्किप करते हुए जाती है पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन।
और ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे जो ट्रेन स्किप कर रही है ये है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो कि असम के डिब्रूगढ़ से चलकर आ रही है और जाएगी नई दिल्ली। देखो देख कैसे ये स्किप कर रही है, धीरे धीरे यहाँ से निकल रही है, मतलब इसका स्टॉपेज ही नहीं है यहाँ पे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिन ट्रेनों का स्टॉप होता है वो यहाँ पे रुकती है, अदरवाइज सारी ट्रेनें लगभग जो भी राजधानी शताब्दी हम सफर दुरंत तो सब यहाँ से स्किप कर जाती और जाती है नई दिल्ली की ओर। तो देख लो दोस्तों एक और राजधानी स्किप कर रही है स्लोली स्लोली। ये जो ट्रेन है ये है सियालदह राजधानी नई दिल्ली एक्सप्रेस। तो ये जो ट्रेन आप देख रहे जो खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ये है रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस। ये वीक में 2 दिन रन करती है आनंद विहार टर्मिनल से और अगले दिन आपको पहुंचा देगी बिहार के रक्सौल में। शाम 4:30 बजे रन करती है संडे और फ्राइडे, आज है फ्राइडे यानी आज ये रन करेगी। तो उस ओर फिलहाल आ चुकी है जनसाधारण एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जा रही। चलते हैं फिर। तो ये जो जनसाधारण ट्रेन है ये पूरा का पूरा जर्नल कोच है, ये डेली रन करती है पटना के दानापुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए और आनंद विहार टर्मिनल से डेली रन करती है दानापुर के लिए। देख लो कितने ज्यादा यात्री इस जनसाधारण एक्सप्रेस से अपनी यात्रा को समाप्त किए। ट्रेन के टाइम की बात करूं तो ये कल शाम 4:30 बजे चली थी दानापुर से और 10:30 बजे के अराउंड यहाँ पहुँचा दी है आनंद विहार टर्मिनल। ये दोपहर के 1:30 बजे यहाँ से चलेगी और सुबह 7:10 पे आपको पहुँचा देगी दानापुर। और इसमें आपको ना जनरल कोच मिलेगा यानी कि सीट आपको मिलनी ही मिलनी, काफी अच्छी ट्रेन है, ट्रेन का नाम भी चलता है और सीट की दिक्कत तो जरा से भी नहीं, जितने भी कोचेस हैं सबके सब जनरल कोच। चलो चल के आपको थोड़ा सा इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा है इसका इंटीरियर, अभी आई है जस्ट लगी है और साफ सफाई भी नहीं हुई, लेकिन देखो कैसे पैसेंजर आके बैठ गए क्योंकि ये 1:30 बजे यहाँ से चल देगी वापस दानापुर के लिए। तो इस वक्त अभी जन साधारण ट्रेन के अंदर हूँ, पूरा का पूरा जनरल कोच मैंने आपको बताई है। देखो साफ सफाई तक नहीं होने दिए, कितने ज्यादा पैसेंजर आकर अपनी सीट पे बैठने लगे, मतलब सोचने वाली बात है कम से कम साफ सफाई तो होने दे। और फिर उस ओर से कोई ट्रेन स्किप कर रही है। बात करूं इस आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन की तो ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेन आके एंड हो जाती है, मतलब यहां से ट्रेन आगे ही नहीं जाती, वापस जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चले जाती। और यहां पर आपको 10 प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और दिल्ली जंक्शन डिवीजन के अंदर आता है। यहां से आपको लगभग सभी शहरों के लिए ट्रेनों की फैसिलिटी मिल जाएगी। और इस आनंद विहार का कोड ANVT है। अभी मैं बैठा हुआ हूं प्लेटफॉर्म 2 और 3 पे। 3 पे लगी हुई विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि 1 बजे जाएगी यहां से भागलपुर के लिए, बाकी 2 पे आने वाली है सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, आ रही है मुजफ्फरपुर जंक्शन से, काफी बढ़िया और काफी जानी मानी ट्रेन है। और इसी ट्रेन को दिखाने के लिए मैं बैठा था आ चुकी सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि आ रही है मुजफ्फरपुर जंक्शन से। अब इस ट्रेन को जाने देते हैं, मिलते हैं इस ट्रेन से सीधा। जब यहाँ से ये ट्रेन चलेगी मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए तब आप देखना कितना ज़्यादा भीड़ होता है इस ट्रेन में, क्योंकि इस ट्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको क्या बताऊँ, इसी ट्रेन को दिखाने के लिए मैं रुका हुआ था, मेरी जो प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी है ना वो समाप्त हो गई। चलते हैं जल्दी से वापस, मतलब बाहर, वरना क्या है टीसी वगैरह पकड़ लेंगे ना तो वो तो किसी की भी नहीं सुनते, सीधा फाइन मार देंगे। तो किसी तरीके से मैं आ चुका हूँ बाहर, बड़ा ही खुशी मिल रहा है क्योंकि अगर टीटी देख लेता ना वो फाइन तो काटने ही काटे। क्या बताऊँ, ट्रेन दिखाने के चक्कर में मैं इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया कि वैलिडिटी जो है वो भूल गया। बाकी अब बताता हूँ आपको कि स्टेशन के बाहर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल। तो अब आपको दिखाते हैं ट्रेन रेस्टोरेंट, सामने देख रहे हो अभी ट्रेन रेस्टोरेंट बन रहा है, काम देखो कितना तेजी से इसका चल रहा है। बहुत ही जल्द आपको इस स्टेशन पे भी आपको ऐसा ट्रेन रेस्टोरेंट मिलेगा ना, ये बन के तैयार हो जाएगा तब आप इसके अंदर जा सकते हैं और ट्रेन रेस्टोरेंट के अंदर खाने पीने की चीजें खा सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा, ऐसे लगेगा आप ट्रेन के अंदर हैं। स्टेशन के बाहर आपको ऑटो टैक्सी कैब बस की फैसिलिटी मिल जाएगी। बस के लिए क्या आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा ज्यादा पैदल, लेकिन ऑटो टैक्सी कैब आपको स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा। भीड़ देखो स्टेशन के बाहर कितनी है, ये सप्त क्रांति सुपर फास्ट की भीड़ है, जस्ट अभी आई है ना सप्त क्रांति।
एक बात दोस्तों आपको और बता दूं, यहाँ पे आपको इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी मिल जाएगा। जब आप स्टेशन से बाहर आएंगे और थोड़ा सा पैदल चल के आपको इंटर स्टेट बस टर्मिनल मिलेगा, यानी कि अगर आप दूसरे राज्य जाना चाहते हैं तो वहां के लिए भी आपको लोकल बस मिलेगा। इसके अलावा रोडवे बस मिलेगा, वोल्वो बस तक मिल जाएगा, बस थोड़ा सा आपको आगे चलना। जो ये वाला रास्ता देख रहे हो ये सामने मेट्रो स्टेशन जाता है। स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको मेट्रो की फैसिलिटी मिल जाएगी। मैं सुबह मेट्रो से ही आया था आनंद विहार। ब्लू लाइन और पिंक लाइन दोनों की अच्छी खासी कनेक्टिविटी है। बात करो अगर खाने पीने की, तो स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको खाने पीने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। दोस्तों मैं तो बाहर से वापस अंदर आ गया हूँ, वेटिंग हॉल में बैठा हूँ। बाहर गया था कुछ खाने पीने, कचौड़ी खा के मैं आ गया हूँ। बाकी वेटिंग हॉल काफी अच्छा बना रखा है बैठने के लिए, और वेटिंग हॉल के जस्ट सामने ही टिकट काउंटर है, आप वहां से जनरल टिकट ले सकते हैं या फिर प्लेटफॉर्म टिकट। थोड़ा सा इधर होंगे तो आप इंक्वायरी के लिए भी पता कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत वेट करता हूँ और फोन वगैरह चार्ज करता हूँ, फिर वापस से आपसे मिलता हूँ प्लेटफॉर्म पे। वेटिंग हॉल में ही आपको टॉयलेट की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेडीज अलग और जेंट्स अलग। और ये है वेटिंग हॉल, इसके जस्ट सामने देखो यहाँ पे खाने पीने की कितनी अच्छी चीजें बना रखी है। यहाँ पे आप खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। और दोस्तों ये IRCTC का है, सामने आप देख सकते हैं, और अंदर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट कितना अच्छा है। चलते हैं फिर वापस से प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है, इधर से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पे। और मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, जहाँ पर आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आ रही। ये वंदे भारत सुबह चली थी 7 बजे और यहाँ पे देखो 12 बजे के अराउंड पहुंच रही है, और यहाँ से 5:30 बजे चलेगी और फिर 10 बजे वापस से पहुंच जाएगी देहरादून। डेली तो नहीं रन करती, बुधवार को छोड़ के बाकी वीक में सभी दिन ये रन करती है वंदे भारत। जैसे ही आती तो मैं आपको दिखाता हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस। सामने देखो दोस्तों सप्त क्रांति में डीजल लोकोमोटिव लगा के इसको लेके जाया जा रहा है आउटर पे। तो जब इसका टाइम होगा ना तो ये आके प्लेटफॉर्म एक पे लग जाएगी। और देख लो दोस्तों नाम लिया वंदे भारत एक्सप्रेस का और आ चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन की जर्नी का एंड हो गया, सभी पैसेंजर उतरते हुए। अब इस वंदे भारत एक्सप्रेस की साफ सफाई होगी, फिर 5:30 बजे के अराउंड इसको वापस से लगा दिया जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर एक पे और जाएगी देहरादून की। आप तो जानते हैं प्रीमियम ट्रेन है, सभी ट्रेनों को रोक के इस ट्रेनों को कराया जाता है। चलते हैं फिर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, क्योंकि वहां पे आ रही है पूर्विया एक्सप्रेस जो कि सहरसा से आ रही है। सामने देखो दोस्तों ये सारे जो पैसेंजर बैठे हुए हैं ये सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस के लिए बैठे हैं। 2 बजे के अराउंड सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस को लगाया जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर एक पे। तब आपको आकर दिखाऊंगा ना कितनी ज्यादा उसमें भीड़ होती है। अभी चलते हैं, 7 नंबर पे पूर्विया एक्सप्रेस आई हुई है और ये जो पैसेंजर आ रहे हैं ये पूर्विया एक्सप्रेस के पैसेंजर हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, जस्ट लग चुकी है पूर्विया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 7 पे, अभी भी आई है। पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन के रनिंग की बात करूं तो ये 11:30 बजे कल चली थी बिहार के सहरसा से और 12 बजे के आसपास ये पहुंचा दी है आनंद विहार टर्मिनल। और ये वीक में 2 ही दिन रन करती है, संडे को और थर्सडे को। चलते हैं फिर ट्रेन के अंदर, देख लो ट्रेन कितनी गंद है, मतलब कितना ज्यादा गंदगी फैला रखे है। अभी इसकी साफ सफाई भी नहीं हुई लेकिन कुछ पैसेंजर आके बैठे हुए हैं। तो अभी मैं हूँ पूर्विया एक्सप्रेस के जर्नल कोच में, और अगर इस ट्रेन की रनिंग की बात करूँ कि आनंद विहार से कब ये रन करती तो शाम को 5 बजे के अराउंड, और कल 7 बजे के अराउंड आपको पहुंचाएगी बिहार के सहरसा जंक्शन। और ये वीक में 2 ही दिन रन करती है, एक मंडे को और एक रन करती है फ्राइडे यानी आज। काफी अच्छी ट्रेन है दोस्तों यदि आप सफर करते हैं बिहार के सहरसा की ओर। अभी मैं प्लेटफॉर्म 4 और 5 के पास बैठा हूँ। इस और अगर आप देखेंगे तो जन साधारण लगी हुई जो कि 1:30 बजे यहाँ से चल देगी दानापुर के लिए पटना। मैं आपसे क्या ही बताऊँ, आपने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ब्रिज बना होता है हर एक रेलवे स्टेशन पे, बट आनंद विहार टर्मिनल पे आपको ना अंडरग्राउंड मिलेगा। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, मतलब थोड़ा सा एक अलग चीज है। तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आपको अच्छी खासी खाने की फैसिलिटी मिल जाएगी, इसके अलावा क्लॉक रूम भी आपको मिल जाएगा और वेटिंग हॉल काफी अच्छा बना रखा है, अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो वेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेन लेट है तो भी आप वहाँ आराम से आके वेट कर सकते हैं। दोस्तों हमने ना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी पूरा दिन बिताया, उस वीडियो को भी आपने काफी पसंद किया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की वीडियो को भी आपने पसंद किया,
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी बिताया, उसको भी आपने पसंद किया, और इससे पहले दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर हमने बिताया था, उसको भी आशा करता हूँ आप पसंद करेंगे। ये अभी मैं बिता रहा हूँ आनंद विहार टर्मिनल, ये भी दिल्ली का खास और एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्टेशन पर बिताया जाए। कभी आप इस स्टेशन से सफर करते या इस स्टेशन पे आते हैं या इस स्टेशन से जाते हैं तो कौन सी ट्रेन यहाँ से ऑपरेट करती, इसके अलावा स्टेशन पे क्या क्या फैसिलिटी है और स्टेशन के बाहर क्या फैसिलिटी, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप पसंद काफी करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप सबके लिए आनंद विहार टर्मिनल पे पूरा दिन बिता रहा हूँ। और जो भी ट्रेनें आ रही कोशिश करो प्रीमियम ट्रेनों को और जो सुपर फास्ट ट्रेन है ना उन ट्रेनों का एक्सप्लोर करने का। तो अब चलते हैं फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे, उस ओर लगता है कोई ट्रेन आ रही है। और मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जहाँ पर आने वाली है अमृत भारत एक्सप्रेस, जिससे हमने सफर किया था यहाँ से, मतलब आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम जंक्शन। काफी अच्छा सफर था, सीट तो आराम से मिली थी, जनरल में भी स्लीपर का मजा लेते हुए जा रहे थे। अगर आपने वो सफर नहीं देखा तो हम आई बटन पे सेट कर देंगे, आप उसको जरूर देखिए। बाकी बात करूं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो मंगलवार और शुक्रवार को रन करती है, हफ्ते में 2 दिन आनंद विहार टर्मिनल से, और जाएगी ये दरभंगा, यानी कि 3 बजे ये चलती है यहाँ पे शाम को, और 12 बजे के आसपास आपको पहुंचा देगी दरभंगा जंक्शन। किराए की बात करूं तो जनरल कोच का आपको 300 रुपए पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं आपसे इसके एपिसोड 2 में, जिसमें हम कुछ और ट्रेनों को जानेंगे और साथ ही आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, जय हिंद जय भारत। अमृत भारत एक्सप्रेस।